जब वहां से जीवात्मा चली सतलोक से, तो सतलोक के नीचे कारण लोक जो पांच तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रसगंध, तो जीवात्मा को जब सतलोक से उतारा गया वहां तो कोई शरीर था नहीं, लेकिन नीचे किसी मंडल मुकाम में भेजी जाएगी तो नंगी नहीं भेजी जाएगी, कपड़ा पहना। तो कौन सा कपड़ा? कारण कपड़ा पहना। जब सतलोक से नीचे कारण लोक में उतारा गया तो कारण लोक में पांच तत्वों का कपड़ा है शब्द स्पर्श रूप रसगंध, वो कपड़ा इसको पहना दिया। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को कारण लोक के नीचे उतारा तो कारण लोक के नीचे सूक्ष्म लोक जो नौ तत्व है शब्द स्पर्श रूप रसगंध चतुर्थ अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, तब ये नौ तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब सतपुरुष ने हम सब विवादों को सूक्ष्म लोक के नीचे उतारा तो सूक्ष्म लोक के नीचे लिंग लोक इसे देवलोक कहते, यह है सत्रह तत्वों का, दस इंद्रिया चतुर्थ अंतःकरण तत्वगुण तपोगुण रजोगुण, ये सत्रह तत्वों का कपड़ा पहरा दिया। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को देवलोक के नीचे उतारा तो लिंग लोक के नीचे ये मृत्यु लोग जहां हम आप बैठे हो, जब यहाँ जीवात्माओं को उतारा गया तो यहाँ का कपड़ा पांच तत्वों का, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये पांच तत्वों का कपड़ा पहरा दिया। अब जीवात्मा पर कितने खोल हो गए, कितने कवर हो गए? चार। कारण कपड़ा, सूक्ष्म कपड़ा, लिंग कपड़ा और स्थूल कपड़ा, ये चार कपड़े पहने। जो इन चारों कपड़ों को उतारना जानता और जीवात्मा को पाक साफ निर्मल पवित्र करके खड़ा करेगा वो नामदान देगा। नामदान देने का अधिकार उसको, तुम्हें ये कुछ मालूम नहीं है। एक ने अल्लाह मजा दिया, सब दौड़ बड़े पीछे नामदान हो रहा, नामदान हो रहा, नाम ये भी नहीं पूछा कि नामदान कौन सा होगा, जो पांच नाम बाबा जी ने दिए क्या उसके अलावा कोई हो रहा जो कह रहा नामदान दे रहा। ये पांच नाम पहले भी सुनाता था और आज भी सुनाता, देने की बात कहा, देने और सुनाने में अंतर है। अगर हम आपको सुनाते थे कि रसगुल्ला मीठा होता, मुलायम होता, लाल होता, कि आप सुनकर संतुष्ट हो जाओ, कुछ समय के बाद कहोगे अरे सुनाने सुनाना है, कुछ की खिलाना पिलाना, संतुष्टि पाने के बाद होती, सुनाने संतुष्टि नहीं होती। तो कहा इसी से संशय भूल ब्रह्म में फंस गए, जो नामदान सुना रहा है कि दे रहा है, देगा कौन ये भी जानकारी तो आपको नहीं। जो सतलोक सच्चन अनामी धाम से आएगा और नाम को जगाएगा, सिद्ध करेगा, वो नामदान। जितने संत कलयुग में आए उनकी अगर आप पढ़ लेते, उनको जानकारी ले लेते तो आपको संशय नहीं होता। जब कबीर दास आए उन्होंने साहब नाम जगाया, तब जीवों को नामदान किया। सुदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। और बाबा जी ने ये गुरुदेव नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू। तो मैंने कहा रे भाई तू भी कोई नाम जगा ले, नामदान दे, तेरा भी मान लिया जाए। जो मर्यादा है, जो मतलब सनातन यानी धर्म है, कम से कम उसको तो याद रखना चाहिए आपको। तो आप बच्चों को भूल गए और वो काल के जीव ने आपको फंसा दिया। ये सब काल के जीव जो दयाल से अलग हो गए, या दयाल से अलग होना बतावे, या कहे दयाल खत्म हो गया, मर गया, ये काल का जीव है।
ये अपना प्रभुत्व जमाना चाहता। इसको ये नहीं मालूम है जो काल को मारने आया है, काल को भगाने आया है, वो कितना महान होगा, कितना शक्तिशाली होगा, ये तो सब भूल गया। आपने बच्चों को बुला दिया और यहाँ के फंस गया। तो कह रहे कि चलो किसी से नहीं डरते हो तो मौत से तो डरो, मौत तुम्हारा हर पल इंतजार कर रही है, तुम्हारे सिर पे बैठी है और इंतजार कर रही, जितनी जल्दी तुम्हारा जीवन खत्म हो तुम मेरे हवाले हो लो। तो माँ को सुने, समझा के क्या कहा, जरा समझ लीजिए तो चलेगा आपके लिए। क्या कह रहे हैं कि मौत से डरकर रहो दिन रात, मौत से डरकर रहो दिन रात, मौत से डरकर रहो दिन रात, मौत से डरकर रहो दिन रात। संत महापुरुष समझा के क्या कह रहे हैं कि मौत से कम तो डरो, जो तुम्हारा हमेशा इंतजार करते और एक दिन इसके हवाले हमें आप सबको होना पड़ेगा। मौत से कोई बच नहीं सकता। अरे कहा उसका तो डर करो, उस मौत के आने के पहले अपना काम बना लो, तो मौत भी तुम्हारा कुछ नहीं करेगी। तुम सुरक्षा से सौंप दोगे भाई ले जाओ शरीर को, मैंने अपना काम बना लिया, मैंने अपनी जीवात्मा का काम कर लिया, अब इसको तुम ले जाओ। तो बड़ी खुशी से सुनते थे। लेकिन जब आपको युक्ति मिली है, जब उसका प्रयोग करो, इसे नाम दान कहते, ये नाम आधार है, बिना इसके जीवन तो अपने घर जा नहीं सकते, इसी के द्वारा आए थे। और जब ये मिल जाएगा या देने वाला जो मतलब यानी आ जाएगा तो वो ले जाएगा उसको, लेकिन और भी क्यों कोई नहीं ले जा सकता। और सब झूठी बात, वो सब नकली बात आपको सुनते, यहाँ फंसाने की बात करते हैं। अरे ले जाने वाला वो फंसाने का काम थोड़ी करेगा, ना फंसाने के सामान में फंसेगा, ना जीवों को फंसने देगा, तभी तो निकाल के ले जाएगा। क्या कह रहे हैं कि एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, दिन भारी भीड़ पड़ेगी, एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, जम खून देंगे धरी धरी लात, जम खून देंगे धरी धरी लात, से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। कहते शायरा तुम्हारे गाड़ी मुसीबत, भारी भीड़ का मतलब गाड़ी मुसीबत पड़ेगी, और जमदूत धर धर लात तुम्हारे सीने पे लात रखे, जबरदस्ती जीवात्मा को मार मार के निकाल के ले गया। इस मुसीबत से कोई बचा नहीं, ना अपने आप को कोई बचा पाया, लेकिन जो सतगुरु की शरण में गया, उनके आदेश हुकुम को माना, उनके जगाए नाम को समझ लिया और उसको अपना आधार बना लिया, उसका जमराज भी कुछ नहीं कर सकते। आगे क्या कह रहे हैं, युवा दिन की तूने याद भी सारी, युवा दिन की तूने याद भी सारी,
तूने याद भी सारी वादी नदी तूने याद भी सारी अब भोगन में राहत भुलात अब भोगन में राहत भुलात मौत से डरत रहो दिन रात मौत से डरत रहो दिन रात तुमने उस दिन की याद बुला दी एक दिन जाना पड़ेगा और ये सब छोड़ना पड़े जो सामान आपने इकट्ठा किया है ये तुम्हारे साथ नहीं जाए तुमने सारा जीवन ये दूसरे के सामान को इकट्ठा करने में अपना समय खराब कर तुम सोचते थे मकान हमारा है जमीन दुकान हमारी है ये पत्नी बाल बच्चे हमारे हैं और ये सब पराया तुम तो माँ के गर्भ से नंगे और अकेले आए ये सामान तो किसी का दिया हुआ किसी के दिए हुए सामान पर तुम्हारा क्या अधिकार लेकिन तुम भूल गए हो यही भूलिए ये तुमने याद बुला दी कि एक दिन छोड़ के सब जाना पड़ेगा हम अपना कीमती समय जीवन को उसी में लगा दिया दूसरे के सामान को इकट्ठा करते और दूसरे का सामान कभी तुम्हारा हो नहीं सकता यही जानकारी संत महापुरुष देने आए कहते हैं भोगन में रहो बुला और भोगों में तूने सब कुछ बुला दिया कि मैं जाना भी है शरीर चूना भी है ये भोग साथ जाएंगे नहीं सामान साथ जाएगा नहीं जो कुछ इकट्ठा किया ये सब टूट जाएगा कहा ये भोगों में फंसने के कारण और तुम ये सब भूल गए हो आगे क्या कह रहे हैं कि एक दिन काठी बने तुम्हारी 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 चार कहाँ रवा लाद जात चार कहाँ रवा लाद जात मौत से डरत रहो दिन रात मौत से डरत रहो दिन रात बताएंगे आपको कल एक दिन तुम्हारी काठी बने वो है मोटे डंडो मारी ये गद्दे और सफर से नहीं जाएंगे उस पर आपको लिटा कर और नंगा करके और नफरत का पर्दा जिसे कफन कहते हो नफरत का पर्दा करके नहीं नहीं अब इसका चेहरा देखने लायक अभी देखा नहीं जा रहा जल्दी करो इसको यहां से ले जाओ उठाओ घर से ले जाओ इस घर में इसको रहने का अधिकार नहीं रहा देखो कितनी नफरत लोग करेंगे और तुम समझते हो प्रेम करते प्रेम प्रेम तो संत महापुरुष करते हैं जिनका तुम्हारे से कोई स्वार्थ तुम्हें ठीक करने के लिए तुम्हें सुधारने के लिए तुम्हारे मन की गंदी आदतों को ठीक करने को तुमसे प्रेम करते किसी तरह से तुम ठीक हो उनका और कोई मतलब नहीं है तुम्हें ठीक करने का कह क्या कह रहे हैं एक दिन काठी बने तुम्हारी तुम्हारे साथ क्या जाएगा का वो हरे मांस के काट कर मोटे करने वाली काठी टिकती उस पर आपको लिटाएंगे और लिटाएंगे नंगा करके कोई कपड़े लते कोई साल दो साल ये सब धरे रह गए ये भी आप नहीं ले जा सकते और कहा तुमको लिटा कर और ऊपर से कफन नफरत का पर्दा
ये फिर देखा नहीं जा रहा, इसकी सूरत बहुत खराब है, मतलब जल्दी कर उसको ले जाओ यहाँ से हटाओ। तो डालेंगे और चार लोग उस तिथि को पकड़ कर ले जाए। आगे क्या कह रहे हैं, बाई बंधु कुटुम परिवार, भाई बंधु कुटुम परिवार, भाई बंधु कुटुम परिवार, भाई बंधु कुटुम परिवार, सब पीछे भागे जात, सब पीछे भागे जात, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। को आपने अपना बनाया, भाई है, कुटुम है, परिवार है, माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी, कला जी को आपने अपना बनाया, ये सब तुम्हारा साथ छोड़ दें, कोई साथ जाने के लिए तैयार नहीं होगा, सब मरघट तक आंसू बहाकर पीछे रहोगे, अब तुम्हारा कोई साथी नहीं जो तुम्हारे साथ जाए, और तुमने साथी किसी को बनाया नहीं, जो बनाए ये सब धोखा। कह रहे जिनको आपने बनाया है उनका साथ कहाँ तक है, क्या कह रहे हैं कि देहरी तक पत्नी का न था, देहरी तक ही पत्नी का न था, पौली तक माँ का नाता है, मरघट तक जाते भाई बंधु पर हंस अकेला जाता है। का तुमने जिनको अपना बनाया वो सब तुम्हारा साथी, ये तुम्हारे कोई साथी कहता सच्चा साथी कौन है कि संगी साथी गुरु जी को लेना, संगी साथी गुरु जी को लेना, और भेद उन्हीं का जाना है, और सुरती शब्द का साधन करके अब अपने घर चली जाना है, फसना नहीं थे तू बिराना है। कितना स्पष्ट कह दिया, ये देश बिराना पराया है, इसमें फंसना नहीं, धीरे से अपना काम बना लो और चलो निकल, काम क्या बना लो, पूरी जीवात्मा का कल्याण करो, ये असली काम, बाकी ये सब जो शरीर इंद्रियों से आप करते हो वो सब नकली है, वो सब झूठ है, वो तुम्हारा साथ नहीं जाएंगे, असली काम है जीवात्मा को जगाना, परमात्मा से मिला और नाम की युक्ति मिल गई तो हर पल हर क्षण नाम को स्मरना, इसे आगे क्या कह रहे हैं कि आगे मरघट जाए उतारा, आगे मरघट जाए उतारा, आगे मरघट जाए उतारा, आगे मर घट जाए उतारा, तिरियारों में बिखेर बार, तिरियारों में बिखेर बार, मौत से डरत रो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। आज जब चार लोग उठा के ले जाएंगे तो बीच में कहीं नहीं रुके, सीधे मरघट में
आपको उतार देगा, बस ये तुम्हारी अंतिम यानी मतलब अंतिम कि आपको मरघट होगा। अब घर में नहीं, मकान में नहीं, बंगले में नहीं, कहीं कुछ वो सब छूट गया। तुम्हारा उतारा होगा मरघट शमशान भूमि पर, यह तुम्हारा स्थान है। और यहां के लिए आपने कभी नहीं सोचा था कि हमको एक दिन शमशान भूमि जाना पड़े। ये मकान है, ये दुकान है, ये जमीन है, ये बंगले है, ये सब छूट जाएंगे। यहां कोई रहने नहीं देगा, जिनको तुमने अपना बनाया वही नहीं रहने देंगे। कहते नहीं नहीं, ये स्थान तुम्हारा नहीं है, ये जिंदे का है, मुर्दों का नहीं। तो आपको जाना, इतनी बेरहमी के साथ जिनसे तुमने मोह ममता बढ़ाई है, ये इतनी बेरहमी के साथ ले जाएंगे तुमको। और क्या करेंगे, लकड़ियों पर रखकर नंगा तुम्हें जलाएंगे। ये अपने, अरे अपनों को तो रहम होना चाहिए। जिस शरीर ने दुकान मकान चलाई और मतलब ये सब बनाया, आज उस शरीर की क्या दशा है, कोई नहीं साथ रहने वाला, किसी के अंदर प्रेम नहीं रहा, किसी में रहम नहीं रहा, किसी में दया नहीं रही, कोई अपना नहीं कह रहा, सब नंगा करके और आपको लकड़ियों पर रखकर जला के राख कर दिया। जला कर राख, अकल सकल सब खत्म। क्या मिला आपको, क्या आपको मिला, ये सब क्यों हुआ, क्यों आपने कोई अपना अच्छा साथी नहीं बनाया। सच्चा साथी जो यहां भी साथ दे, वहां भी साथ, इधर भी आपको पाकिस्तान निर्मल बनाए और उधर घर पहुंचाए, ये दोनों काम करे। कहा कौन है, कहा वो समृद्ध गुरु है, वो दोनों तरफ आपकी मदद करते, इधर भी मदद करते हैं तो उधर भी ले जाते, दोनों मदद देते। इधर तुम्हारे शरीर की दुर्गति से आपको बचाते हैं, उधर जीवात्मा को नरकों से बचाते, वो दोनों काम करते। आगे क्या कह रहे हैं, वहां जमपुर में नरक निवास, जमपुर में नरक निवास, वहां जमपुर में नरक निवास, वहां जमपुर में नरक निवास, यहां अग्नि में फूंक जाते, यहां अग्नि में फूंक जाते, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। का दोनों दिन बिगाड़े तुमने, न ग्रही न चल, इधर क्या है शरीर के लिए, रात दिन इसी में खपते रहे, इसको खिलाते पिलाते सजाते रहे तो जलाया जा रहा, उधर जीवात्मा नरकों में पीटी जा रही। पूछा जा रहा, मैंने मैंने तुमको, तुमने प्रार्थना की थी गर्भवास में कि अब प्रभु कृपा करो, यही भांति सब तज भजन कर दिन रात, तुमने ये वादा किया था, अब हमारे पर दया कृपा कर दो, ये गर्भवास के नरक से बाहर कर, मैं जब जाऊंगी बाहर दिन रात तुम्हारा भजन करूंगी। तो तुम सब भूल गए, तुमने शुरू भी नहीं किया, शुरुआत भी नहीं की जिसका वादा। तो जब तुमने झूठ बोला है और धोखा दिया, वादा खिलाफी की, तब जा इस नरकों में तुझे तरह तरह की मार दी जाएगा, झूठ बोलने का, वादा की नफी करने का, ये तो ये सब रात दिन झूठ बोलते वादा की नफी करते, इनको होश नहीं है कि हमारी जीवात्मा का प्रणाम क्या होगा। आगे क्या कह रहे हैं, कि दोनों तीन बिगाड़े तूने, दोनों तीन
बिगाड़े तूने, दोनों तीन बिगाड़े तूने, दोनों दीन बिगाड़े तूने। किस तरह समझाते, इन बटनों को किसी ने कहा नहीं, ऐसे ही हमदर्दी लेकर कोई आया नहीं जो आपको सचेत करता और सियार करता हो और आपकी ये दुर्दशा नहीं होती, न शरीर की होती न उधर जीवात्मा की। निर्दोष संत महापुरुषों को ये जलाया इसीलिए नहीं था, कोई उन्होंने ऐसा काम नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं किया, किसी को भ्रमित नहीं किया, किसी को गंदा नहीं किया, इसलिए उनके शरीर को जलाया नहीं जाता, समाधि दे दिया। जिन्होंने तरह तरह के पाप कर्म किए, शरीर से खराबी की अच्छा नहीं किया, उनके शरीर को जला के रख दिया जाता कि तुमने कोई अच्छा काम नहीं से जला दो, जैसे कूड़ा के जला जलाया जाता। इसी तरह तुम्हारे शरीर को कूड़ा का जल समझ के इसने कोई कुछ अच्छा किया ही नहीं, जो किया सो बुरा किया, तो आपको जलाया जाता है और दंत महापुरुषों को समाधि दी जाती। आगे क्या कह रहे हैं, दोनों तीन बिगाड़े अपने, दोनों तीन बिगाड़े अपने, अब नहीं सुनता सतगुरु बात, 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 मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। फिर दोनों दिन आप बिगाड़ यहाँ शरीर का और जीवात्मा, न शरीर को आप से अच्छे काम किए और न जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला पाए, न हरि भजे न घर सुख पाए, वृथा बिहाय गई दुई माते प्यारे एक हो रहे, न इधर न उधर कुछ सब ऐसे न तुम्हारी बेवतन में सब शाम समय निकल गया, तो आपने कुछ नहीं किया। शरीर से कोई अच्छा काम जिसे लोगों का भला होता, लोगों का कल्याण होता, लोगों को लाभ मिलता, शरीर से भी अपने लिए खाना पीना सोना कमाना मलमूत्र त्याग करना आलोला बच्चे पैदा करना, इसी में सारा जीवन लगा दिया, लेकिन परमार्थ नहीं। अगर परमार्थ करते हैं तो ये शरीर भी आपका सार्थक हो जाता,
आगे क्या कह रहे हैं कि तू सदगुरु के वचनों को सुनता तो तू अपने आप को कभी बर्बाद होने से बचा ले, कभी बर्बाद नहीं करता। कहा सदगुरु तुम्हारे लिए, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए, तुम्हें पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने और तुम्हें खराब होने से बचाने आता। आगे क्या कह रहे हैं, वादिन बहु पछितावा होगा, वादिन बहु पछितावा होगा, वादिन बहु पछितावा होगा, वादिन बहु पछितावा होगा, अब तुम करते अपनी घात, अब तुम करते अपनी घात, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। उस दिन आपको पछतावा होगा, जिस दिन तुम्हारा साथी कोई दिखाई नहीं, कोई साथ देने के लिए तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई नहीं जाएगा। जो पति मरा की पत्नी साथ गई, पत्नी मरी बच्ची साथ गया, बाप मरा बेटा साथ गया, बेटा मरा बाप साथ गया, ये तो रोज के अनुभव आपके, कोई नहीं जाता। जब कोई साथ नहीं जा रहा तो अपने अच्छे सच्चे साथी की तलाश करनी चाहिए आपको, तो भी आपने नहीं किया, और सौभाग्य से मिल गए तो आप उनको पहचाने नहीं, तो भी आपने समय निकाल दिया। तो कहते हैं उस दिन आपको बड़ा पछतावा, मन पछताइयो अवसर बीते, का ये समय निकल जाएगा, अरे मन तुझे पछताना पड़ेगा, जो जो तूने किया वो सब याद आएगा, लेकिन वो भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, वो भी तुम्हारा साथ छोड़ दे। इन भोगों से तुमने रिश्ता बनाया, अब कोई भोग तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। क्या कह रहे हैं, अब तुम करते अपनी घात, घात माने नुकसान, तुम अपना नुकसान कर रहे हो, अपनी हानि कर रहे हो, अपनी बर्बादी कर रहे हो, लेकिन समझ में नहीं आता क्योंकि तू सदगुरु की बात नहीं सुनता। जो तेरे लिए आए, तेरी जीवात्मा के कल्याण के लिए आए, तू उनकी बात नहीं सुनता। क्या कह रहे हैं आगे, जवानी गई बुढ़ापो आयो, जवानी गई बुढ़ापो आयो, जवानी गई बुढ़ापा आया, अब कह दिन का इनका साथ, अब कह दिन का इनका साथ, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। समझा के कह रहे बचपन चला, जवानी आई होनी चली गई, लेकिन बुढ़ापा नहीं ऐसे जाएगा। बुढ़ापा कहता हम वो बचपन जवानी नहीं जो चले जाए, हम तुमको लेके जाए, हम तुमको लेने आए। बुढ़ापा कह रहा हम तुमको नहीं। बुढ़ापा क्या है, बूढ़ा आपा, आपा माने घमंड गरुड़ गुमान सब डूब गया, खत्म हो गया, कुछ आपका नहीं रहा, खाली होगा। तो क्या कह रहे, अब ये तुम सोचो कितना दिन जाता, जब बुढ़ापा आ गया अब कितने दिन आप इस शरीर में रहोगे और कितने दिन शरीर से संबंधित रिश्तों के साथ रहोगे और कितने दिन इससे इस संसार के भोगों का प्रयोग करोगे, जो सामान आपने इकट्ठा किया अब कितने दिन इनका प्रयोग करोगे। देखो किस तरह की बात को समझाते,
आगे क्या कह रहे हैं कि चेत करो मानो गुरु कहना, 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 गुरु के चरण झुकाओ मात, 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 मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात, कैसे बचपन चला गया जवानी चली गई, अब बुढ़ापा आएगा, कुछ तो चेतो कुछ तो जागो कि जो थोड़ा सा समय बचा है उसी में अपना काम करो। संत महापुरुष कितने मेहरबान है, तो इस थोड़े समय में क्या पूरे जीवन में किसी ने आपका काम नहीं किया। वो कहते हैं जो भी समय बचा, एक घड़ी आधी माँ पुनिया स्वामी संगत साथ की हरे को डपरा, आधी घड़ी में भी आधी अगर कहीं तुमने नाम स्मरण कर लिया, नाम के अनुसार अपने आप को बना मन बुद्धि चित्त को साफ करके नाम का स्मरण किया है तो तुम्हारा काम हो जाए। देखो कितने थोड़े समय में जीवन चला गया, किसी ने आपका काम नहीं, सबने आपको लूटा, सबने आपको प्रयोग किया, अपना अपना स्वार्थ निकाला, तुम्हें गंदा करके छोड़ दिया, लेकिन संत महापुरुष फिर भी तुम्हारी मदद के लिए कहते हैं अगर तुमने एक घड़ी में भी आधी घड़ी मन बुद्धि चित्त को साफ करके अगर नाम का स्मरण कर लिया तो तुम्हारा काम हो जाए, तब भी आपको करने को तैयार। जो ऐसे शुभचिंतक ऐसे रहवर रहनुमा उन्हीं को आपने न पहचाना है और न समझ पाए। आगे क्या कह रहे हैं, गुरु के चरण झुकाओ मात, अब ये कहना मानो ने ये भी जाना, ये भी जाना, गई सो गई और रही वो संभालो, मैं ये भी जाने वाली, आज और कल, आज और कल में जीवन जा रहा है, ये आजकल की गिनती में जीवन जा रहा है, इस बार आपने कभी विचार नहीं किया ये जीवन जा रहा। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी कहत सुनाई, सतगुरु स्वामी कहत सुनाई, सतगुरु स्वामी कहत सुनाई, सतगुरु स्वामी कहत सुनाई, अब तुमको बहु विधि समझात, 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 मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। देखो समझा के कहते, अरे मौत का तो भय करो, तुम मौत भी भूल जाते हो, इतने ज्यादा भोगों में लिप्त हो गए हो, कमाने दमाने में नकली सामान इकट्ठा करने में तुम भूल गए कि मौत भी आई, तो धीरे 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 मौत तुम्हारे किनारे आ गई, कह रही अब हम तुमको ले जाए, अब तुम्हें भी नहीं कह पाओगे नहीं नहीं हमने मकान नहीं बना पाया, हमने बाल बच्चों का शादी का नहीं कर, इसके लिए तुम्हें थोड़ी भेजा था,
तुमने तो वादा माँ के गर्भ में किया था कि हमको तुम निकाल के बाहर करो, हम तुम्हारा भजन करेंगे, दिन रात भजन करेंगे। 24 घंटे के लिए वादा किया और शुरू भी नहीं किया। ये कितना बड़ा धोखा दिया, कितनी बड़ी झूठ बोले हो, कहा अब कुछ नहीं, अब तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। ये महापुरुषों की कैसी दया हम सब कलयुग के गंदे जीवों पर हुई है, कितनी बड़ी दया, लेकिन हम उनकी दया का एहसास नहीं कर पाते। वो 24 घंटे दया करते नहीं तो यहां बैठे नहीं होते, तुम्हें दुनियादारों की तरह फंसे होते, तुम्हें कैसे निकाल के यहां लाया गया और साधना में बैठा लाया। जो तुम्हारा जीवन का असली लक्ष्य असली काम है साधना, साधना माने रोकना, साधना माने पकड़ना, दो अर्थ है एक, इसको पकड़ना कैसे शब्द को पकड़ना है और मन को रोकना। ये मन को रोको, विषय भोगों से हटाओ, अगर बहुत तूने भोग कर लिया तो 83,99,999 शरीरों में गया तो केवल भोग कब करता रहा, केवल बच्चे ही पैदा करता हूं, कुछ किया ही नहीं। अब ये मानव शरीर मिला है जीवात्मा के कल्याण के, तो इससे कुछ अपना काम बनाने ने ये भी भोग खत्म कर दिया। भोग ऐसा रोग है जिनको लग गया उनको खत्म कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा, कुछ बचा ही नहीं, सब चूस लिया ताना। और बेचारे शकीन हो गए, बलीन हो गए और धीरे धीरे चरित्रहून हो गए, कुछ नहीं बचा उनके पास। तो कहा अपने मालिक को याद करो जिसने तुम्हें भेजा, गर्भवास से निकाला, नरकों से, और यहां भी तुम्हें समझाने के लिए आ गए कि भाई चलो चलो अपना काम बना लो। कहा तुमने तमाम चीजों की खोज, आज भी लोग खोज कर रहे, खोज कर रहे चंद्रमा पर जाएंगे, सूरज पर ये करेंगे, ये सब क्या। अरे तुम्हें खोजना चाहिए अपने प्रीतम को, अपने घर जाने रास्ते को खोजना चाहिए, वो तो आपने खोजा नहीं और इसमें जीवन बर्बाद कर। तो समझा के क्या कह रहे, खोजेरी पिया को निज घट में, पिया को निज घट में, खोजेरी पिया को निज घट में, खोजेरी पिया को निज घट में। तो इधर उधर खोजता रहा, सामानों की तलाश करता रहा, भोगों की तलाश करता रहा, वो तेरे काम नहीं आए। कहते रहे खोजो अपने पिया को, अपने प्रीतम को, अपने मालिक को, जो तुम्हारे अंदर ही उसका अंश बैठा हुआ जीवात्मा, अपने घट में, कहीं इधर उधर आपको तलाश नहीं, मठ में नहीं घट में। इसीलिए संतों में और विद्वानों में झगड़ा, काल मत कहता परमात्मा मठ में एक पत्र कालो में हमें लाकर सीखना। संत कहे परमेश्वर घट में, वो कहते इसी घट में, जिस घट में परमात्मा का अंश जीवात्मा बैठी, इस घट में, उस मठ में कुछ नहीं, वो किसी को नहीं मिला। वो ईट पत्थर वाला तो समझाने के लिए बनाया गया कि जैसे ये पत्थर वाला मकान ऐसे ही तुम्हारा मकान, उसमें नकली मूर्ति लाके रखी गई और इसमें असली परमात्मा की मूर्ति की बात हो गई, समझाने के लिए वो बनाया गया। वो बेचारे उसी में फंस गए, समझाने वाले में फंस गए, वो नकली नकली में फंस गए, असली की तरफ जाने के लिए। तो क्या कह रहे हैं, को तेरी पिया को निज घट में, को तेरी पिया को निज घट में, जो तुम पिया से
मिलना चाहो तो तुम्हें पिया से मिलना चाहो, जो तुम्हें पिया से मिलना चाहो, तुम्हें पिया से मिलना चाहो, ओ भटको मत जग में, ओ भटको मत जग में, को जरी पिया को निज घट में, ओ जरी पिया को निज घट में। संत महापुरुष समझा के क्या कह रहे हैं, अगर तू अपने सच्चे पिया प्रीतम मालिक से मिलना चाहती है तो ये भटक खत्म, ये बाहर नहीं है, अंदर है, तो बाहर नहीं मिले। और तुम बाहर में भटक रहे हो, तीर्थ में, मूर्त में, मंदिर में, पानी में, कागज में, पत्थर में, तुम्हारी ऐसे भटक यहीं पर, और यहाँ न कभी वो था और न है न कभी आएगा, लेकिन ये सच्चा भेद संतों ने खोला, हमने आपको इसी में फंसा के रखा, का यही भगवान है, यही शंकर है, यही हनुमान है, और सब पत्थर पत्थर था, सब पत्थर, सब कागज, यानी सब जड़ है, और बाप चेतन भी करते, वो तो चेतन थे जिनका नाम लेते हो, और तुम चेतन को जड़ में बता रहे कि उनका अपमान कर रहे हैं। अगर कह दिया तुम्हारा बाप पत्थर का तो आपको कितना बुरा लगे, और तुम भगवान को रोज पत्थर का कहते, रोज अपमान करते हो, रोज बात की जो कि आपको समझ में नहीं आ, क्या कह रहे हैं कि तुमको किसने किसने अटकाया और भटकाया है, वो कौन है कि तीरथ व्रत कर्म आचारा, तीरथ व्रत कर्म आचारा, तीरथ व्रत कर्म आचारा, तीरथ व्रत कर्म आचारा, ये अटका में मग में, ये अटका में मग में, को जीरी पिया को निज घट में, को जीरी पिया को निज घट में, तीरथ पर कर्म आता एक कागज पर पत्थर पानी इसी में तुम भटक, तरह तरह के आचार विचार ये भी अटकाने वाले, जितना भी सामान यहां बताया है सब अटकाने वाले, पूजा है, पाठ है, तीरथ है, व्रत है, हमन है, जब तब यह गंगा स्नान ये सब अटका, और इससे मेरा कुछ नहीं, इतने दिन आपने किया है, कोई बता दे कि कोई देवी मिली, कोई देवता मिला, मठ मंदिर गिरजाघर गुरुद्वारों में आप गए लेकिन कोई मिला, आपने उनकी पूजा की, आरती की, फिर भी वो खुश नहीं हुआ, फिर भी तुम्हारे सामने नहीं आया कि हम तुम्हारी इस क्रिया से खुश हूँ, जो चाहो मांग लो भाई, वरदान दिया, आशीर्वाद, कुछ कुछ भी नहीं मिला, और फिर भी छोड़ नहीं पा रहे, इसको कहते हैं जड़ता की ममता, ये झूठी ममता है जिसे तुम फंस गए, और किसी ने निकलने की बात नहीं की, जो आया सो फंसता गया, जो आया सो फंसता गया। आगे क्या कह रहे हैं कि जब लगे सतगुरु मिले न पूरे, 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 पड़े रहोगे अग में, पड़े रहोगे अग में, को निज घट में, को जरी पिया को निज घट में, का ये अटक भटक तुम्हारी कौन खत्म करेगा, कहते जब तक सदगुरु पूरा पूरा माने
सप्त कमाई में जो पूरा उन चरणों की बन जाता है। गुरु वही जो शब्द स्नेही सच्चा गुरु वो है जो शब्द से प्रेम करता, नाम से प्रेम करता, दान से नहीं। सद्दाम वाले गुरु रुपया पैसा सेवा दक्षिणा धोती रोटी लंगोटी इसके अलावा कुछ कुछ बेकारी। तो तुम इसे मांग रहे हैं तभी तुम नहीं समझ पाए, जो तुमसे मांगता है वो तुम्हें देगा क्या? मांगने वालों को इतने भिखारी और भिखारी के पास कुछ नहीं, और तुम इन्हीं भिखारियों से उम्मीद करते हो कि हमें कुछ भिखारी दे दे। कितनी बड़ी भूल और अज्ञानता जीव की, ये किसी ने दूर नहीं। कहते हैं जब तक सदगुर पूरा नहीं मिलेगा तब तक इस अंधकार में पड़े रहो। ये अंधकार हटने वाला नहीं है और आज भी उसी में लोग फंसे पड़े और फंसाने वाले सब घूम रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि सदगुरु पूरे मिलेंगे तो क्या देंगे आप? कि नाम सुधारस कभी ना पाओ, 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 भरमो योनि खग में, भरमो योनि खग में, खोजने पिया को निज घट में, पिया को निज। कहते जब सदगुरु पूरा मिलेगा तो तुम्हें नाम सुधा जिससे अमृत चूता है, जो जीवात्मा का भोजन है, अमीरस का ये नाम से अमीर चूता, वो आपको जो कभी किसी ने यहां दिया नहीं है वो आपको देंगे। और अगर नहीं मिलेंगे तो ये पशु पक्षी की योनियों से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा, इन्हीं आपको मिटाते रहोगे, क्योंकि कर्म भी वही आप करते हो पशुओं वाले पक्षियों वाले। किसी योनि में जा सकते हो लेकिन मानव तुम दोबारा नहीं मिलेगा। अब तो जीव मानव शरीर पाने वाला भी कर्म नहीं करता, इतने नाकिस कर्म कर रहे हैं कि इनको दोबारा मनुष्य शरीर भी नहीं। आगे क्या कह रहे समझाते, और तुमको किसने किसके भरमाया और भटकाया है? बिल्कुल स्पष्ट खोल के कहते कोई डर नहीं उनको कि पंडित का ही बेक से कसब, पंडित काजी बेक से कसब, पंडित काजी बेक से कसब, पंडित काजी बेक से कसब, अटक रहे हैं जग जग में, अटक रहे हैं जग जग में, खोजरी पिया को निज घट में। कहा तुमको फंसाने वाले और कौन है? पंडा पुजारी और ग्रंथी पादरी, ये सब फंसाने वाले, और इन्हीं के चक्कर में आप रहे हो। तुमको बताया भी गया रे भाई यही जानकार यही निकालेंगे, लेकिन निकाला तो किसी को, जब खुद नहीं निकले तो तुम्हें कैसे निकालेंगे? कहा ये जितने पंडा पुजारी ग्रंथी पादरी ये सब तुमको फंसाने वाले, ये शेख और भेद लाल पीले कपड़े पहनकर जदा जूट रखकर ये सब ने तुमको भटकाया है और अटकाया वो स्वयं भटके अटके रहे। कितना बड़ा अपना नुकसान किया जीवन का और कितने जीवों का नुकसान किया, ये और भागा भार आपने ला दिया। जब तुम्हारे पास सच्चा रास्ता नहीं था प्रभु प्राप्ति का तो जीवों को धोखा क्यों दिया? जब तुम नहीं जानते थे तो तुमने इनको अटकाया भटकाया भ्रमित क्यों किया?
आगे क्या कह रहे हैं कि इनके संग पिया नहीं मिलना, 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 पिया मिले कऊ साध समग में, 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 खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को निजी घट में, काय पंडा पुजारी ग्रंथी पादरी इनके संग वो पिया प्रीतम नहीं है, क्योंकि ये उस पिया का भेद नहीं जानते। इन्होंने विचारों ने खुद नहीं जाना तो तुम्हें क्या जनाएंगे, और खुद नहीं पाया तो तुम्हें क्या मिलाएंगे। आगे क्या करे, पिया मिले कहू साधना, पिया तो उन साधकों का साथ करना जिन्होंने अपने मन बुद्धि चित्त को साधा और इंद्रिय निग्रह हो, इंद्रियों के गंदगी से अलग पैसे, कोई इंद्रिय उनको परेशान नहीं कर सकती, उसका वेग नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने जीत लिया, वो जितेंद्रिय हो। आगे क्या कह रहे, ये तो भूले विषय वास में, 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 भरम धसे इनकी रग रग में, भरम धसे इनकी रग रग में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को ये जितने पंडा पुजारी गिरती पादरी लाल पीले कपड़े जटा जूट चापा पीले गिरे चंदन बंदन ये सब सजावट ये बनावट है, इस भेष से तुम्हारा काम नहीं होगा। ये भेष सत्य देश पहुंचाने वाला नहीं है, ये अटकाने वाले भटकाने वाले लूटने वाले ठगने वाले अपना स्वार्थ हल करने वाले हैं, इनसे तुम्हें बचने की जरूरत है। क्या कह रहे हैं, ये विषय वासनाओं की शिकार है सब शिकार है, और इसे इनकी नस नस में भ्रम भरा हुआ भ्रमित है। आगे क्या कह रहे हैं समझा के, कि बिना संत कोई भेद न पावे, 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 वो तो ही कहे अलग में, वो तो ही कहे अलग में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। आप सच्चा भेद बताने वाले ये सब झूठे जिनमें अटक गए भटक गए आप, लेकिन अटक भटक से निकालने के लिए अब संत महापुरुष आ गए, कहते बिना इनके वो भेद कोई जानता नहीं, वो रास्ता कोई जानता नहीं है, जीवात्मा परमात्मा के मिलन का, जीवात्मा को अपने घर जाने का और हमेशा के लिए छुटकारा पाने का काय रास्ता संत महापुरुषों के पास किसी के पास, कहते वो इससे अलग है, जो तुमने आज तक देखा सुना है इससे वो सब अलग है। ये तो सब पंडा पुजारी और ग्रंथी पादरी
लाल पीले कपड़ा और जटा और जोट और छापा तिल जले चंदन बंदन ये सब फंसाने वाले, ये सब जो उन्होंने भेष बनाया था अटकाने भटकाने के लिए, अपना स्वार्थ फल करने के लिए, अपना मान सम्मान पाने के लिए, ये नहीं मालूम था ये कितना इसका बड़ा कर्जा है ये आपको देना, क्योंकि आप भेद तो जानते नहीं, गुरु का काम तो आप जानते नहीं, गुरु का दे क्या लाभ देता हो तो आप दे नहीं सकते, लेकिन आपने भेष बनाया है उसकी सजा ले जाती है, ये नकली भेष है। आगे क्या कह रहे हैं कि जब लगे संतो मिले नहीं तुमको, जब लगे संत मिले नहीं तुमको, जब लगे संत मिले नहीं तुमको, जब लगे संत मिले नहीं तुमको, काय ठगोरी इन ठगियन में, काय ठगोरी इन ठगियन में, काय ठगोरी इन ठगियन में, काय ठगोरी इन ठगियन में। आज जब तक उसन संत माने दाढ़ी वाल नहीं है जो सबके अंत में खड़ा है, काम क्रोध लोभ मोह काम सबके अंत में खड़ा, सबको जीत लिया का वो संत जब मिलेंगे तो तुम्हारी जीवात्मा को यहाँ से अंत करा के घर पहुंचे, वो अंत वो बेअंत होते कहते नहीं तो अगर वो नहीं मिलेंगे तब तक ये ठग तुमको ठगते रहेंगे, लूटते रहेंगे, भ्रमित करते रहेंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी शरण गओ तुम, सतगुरु स्वामी शरण गओ तुम, सतगुरु स्वामी शरण गओ तुम, मिलो ज्योति जगमग में, मिलो ज्योति जगमग में, मिलो ज्योति जगमग में, खोजिरी पिया को निज घट में, खोजिरी पिया को निज घट। अगर इन ठगों से बचना चाहते हो तो सदगुरु की शरण को जो तुम्हें बचाने के लिए आए हैं और सबसे छुटकारा दिला उनकी शरण में चले जाओ, वो तुम्हारा सब काम है। मिलो ज्योति जगमग तब तुम्हारी जीवात्मा अपनी असली प्रकाशमान देश में चली जाए, जहां अरबों खरबों सूरज चांदों का उजाला है, उस देश के रहने वाली है, प्रकाशमय चेतन खुशनुमा देश की रहने वाली है। कहा तब तो सतगुरु की शरण जाकर तो अपने उसी देश में पहुंच जाए, फिर तेरा यहां कभी आनंद नहीं होगा। देखो कितनी मदद देने आपको आए, कैसे कैसे आपको निकालेंगे, तुम्हारे मन के अंदर गंदे विचारों को कैसे निकालेंगे, ये सब आपके साथ हो रहा है, किया जा रहा। उनका और कोई मतलब तुम्हारे से नहीं, क्यों गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है राम नाम रतन का, गुरु तेरा उपकार करा में भूखे दर्शित हो दे। उनको तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे रूप रंग से, तुम्हारी धन दौलत सामान से कोई जरूरत नहीं, जरूरत है अपनी जीवात्मा का कल्याण, क्योंकि तुम्हारे शरीर में उनकी जीवात्मा बैठी है, इसलिए तुम्हारे शरीर से प्रेम करते हैं कि किसी तरह से ये शरीर गंदा ना हो, इसलिए हमारी जीवात्मा उस गंदगी से बचाने के लिए तुम्हारा साथ करते हैं। जय गुरुदेव, जय
प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ। प्रभु सब तरफ से निकाल दे, जहां जहां तुम फंसे हो या फंसने के चक्कर में तुम्हारा मन घूम रहा, वहां वहां से तुम्हें बचाएंगे। जो बचाने आया है वो बचाने का काम, जो फंसाने आए थे उन्होंने फंसाने का काम किया, और अब भी अगर इन्हीं के साथ भगोगे तो सब फंसा लेंगे। सब नकली रूप नकली भेद बना के तुम्हें फंसा दे। इन बेचारों को पता नहीं है ये भेष ये रंग किस लोक मंडल मुकाम का, ये भगवा वस्त्र ये भगवान की प्राप्ति का, ये दूसरे मंडल का रंग है लाल, दूसरे मालिक जो उस लोक में पहुंचा हुआ हो उसको यहां संतों ने ये भेज दिया था कि अगर जिसको ब्रह्म मंडल में जाना है और ब्रह्म से मिलना है वही उसे मिले। लेकिन ये बेचारे तो कुछ नहीं जानते, केवल नकली वेद बनाकर आपने अपराध किया, आपने उस मंडल की साधना नहीं की, चढ़ाई नहीं की, लिया जा इस वेद को धारण करके आपको सजा दी, और जब इसी चक्कर में मान सम्मान दिया झूठा मान सम्मान नकली, जब तुम्हारी चढ़ाई नहीं है तुम्हारी साधना नहीं है तो फिर वहां का भेष क्यों आया, इससे क्या मिलेगा। लेकिन मान सम्मान मिलता, अधिकार मिलता है, लोग सामान देते, लोग पूजा करते, ऐसी में फंस गया बेचारा। अब वो भी नहीं निकल पा रहा, और जब खुद नहीं निकल पा रहा तुम्हें कैसे निकालेगा। एक एक देखिए सब किस तरीके से जीवों के हित में उच्चारण करते हैं, इनको कहते हैं संत महापुरुष। उनका कोई मेहनत नहीं होता, बहुत सादगी में है, आप उनको पहचाने नहीं सकते। तुम्हारे बीच में रहेंगे, तुम्हारा काम करेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन हम पहचान, क्योंकि उनकी पहचान अंदर में बात की, अंदर की पहचान है। तभी कहा कि अगर कुछ जानना चाहते हो का दर्श उनका दर्शन करो, उनके शरीर का स्पर्श करो, जब स्पर्श करोगे तो आपको पता चलेगा ये ठंडा है कि गर्म, इनमें शांति की अशांति, इनसे सारे वेग खत्म होते हैं कि बढ़ते हैं, ये पहचान है। जब आप पहचान करोगे तो आपके स्वर में आ जाएगी बड़ी शांति में, दूसरे का इस तरह इस पर करो तो फंस जाओगे आप। लेकिन उनका स्पर्श भी निकालता, वो भी आपको समझता है, ये सब तरफ से आपकी मदद करते हैं। लेकिन ये बेचारे हम लोग समझ नहीं पाते, हमारे आप में समझ सूझ नहीं है उनके पहचानने की। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, बोलो, बोलना होगा अभी से, बोलो दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता सबके मालिक, प्रेम से बोलो नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, ये भी पच्चे कोई नहीं दे रहा। सीताराम ने कभी नहीं कहा कि सीताराम नाम लोगों में तुमको दे, कृष्ण भगवान ने कभी नहीं कहा जब तुम कृष्ण नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, शंकर जी ने कभी नहीं कहा जब तुम शंकर नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा। लेकिन आज समर्थ सदगुरु कह रहे हैं कि जब कोई तुम्हारा सहारा न बने, तुम्हारा साथ कोई न दे, जिनको आपने पूजा याद किया वो भी तुम्हारी मदद न करे, लेकिन शाकाहारी रहोगे और जब जय गुरुदेव नाम लोगे तो मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शंका किस बात,
इस नाम में पक्का वादा है, किसी नाम में वादा नहीं किया। इसी बात को तो लोगों को समझना चाहिए। जय गुरुदेव। देखो रामशाला में जो प्रेमी सेवा कर रहे, जो राज मिस्त्री, आप सब लोग जल्दी से लग जाओ, उसे पूरा कर दो, क्योंकि उसका उद्घाटन कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर उस सेवा आश्रम का उद्घाटन। जय गुरुदेव आध्यात्मिक सेवा आश्रम का उद्घाटन होगा और वो खबर सबको कर दी जाएगी। मतलब यानी आपको उसकी जल्दी तैयारी कर, इसलिए राजमिस्त्री जल्दी से समय मध्य को पूरा कर, रात में करना पड़े तो लाइट करे रात में करो, मैं दिन में पूरा समय दीजिए आप। ये रोज नहीं कहा जाना, ये दो चार दिन का समय आप पूरा दे दी, आपको भोजन वही मिलेगा और प्रसाद सबको मिल जाता, आपको तो सब काम हो रहा। और सबसे बड़ा लाभ है जिसका प्रचार सारे हिंदुस्तान में फैल गया और सब जान गए कि जय गुरुदेव आध्यात्मिक सेवा आश्रम ग्राम रामशाला के अंतर्गत तैयार हो गया, जो सबको संदेश देखा, एक अनोखा संदेश प्रकाशित हुआ, सभी लोग तो समझ पाएंगे। आश्रम तो दुनिया में बहुत बने, मंदिर भी बहुत बने, लेकिन ये संदेश कहीं से नहीं मिलता, जो वहां से होगा वो कहीं नहीं, और वो तुम्हारे हित का है और तुमसे लेना भी कुछ है। कोई दान दक्षिणा दोती रोटी लंगोटी नहीं, कुछ नहीं, ये कामयाब नहीं होता। यहाँ भिखारी पन बनना नहीं सिखाया जाता, यहाँ बादशाह बनना सिखाया जाता। भिखारी नहीं बनना आपको, इतने भिखारी बनने वाला कोई काम, स्वयं स्वावलंबी बनो, स्वयं अपना काम करो और लोगों को करना सिखाओ। यही तो लोग भूल गए, लोग अपना काम कर रहे दूसरे करते, न राजा प्रजा का काम करते, न गुरु लोग शिष्य का काम करते। अब ये सब व्यवस्था बिगाड़ दी, इतनी बिगड़ गई है कि जिसके कोई सीमा नहीं। अब ये सब ठीक होना है, पर जिसे परिवर्तन आप कहते, परिवर्तन माने ऐसे से ऐसा, ये परिवर्तन और लोगों ने ऐसे से ऐसा ये करा, पर थोड़ा सा सुधार कर दिया, बाकी इसके बाद से खराब हो गया। परिवर्तन होने के बाद फिर जल्दी खराबी नहीं आती, वो बिल्कुल ऐसे से ऐसा है। ये जितनी गंदगी आप देख रहे हो ये दिखाएगी, ये सब खत्म हो जाएगी। ऐसी विचारधारा लोगों के अंदर पैदा कर, यही समृत मानी का काम का सत्संग सुनाते सुनाते हम परिवर्तन करके दिखा देंगे। लेकिन आप लगे तो रहो, अभी तुम ही नहीं हो परिवर्तन के लायक, परिवर्तन किया जाता है। तुम्हारे से अभी काम क्रोध नहीं हटा, लोमो अहंकार नहीं हटा, तुम्हें अभी फंसी पड़े हो, तुम्हारे में मुंह ममता नहीं गई है, तो अभी लोगों को तुम ये संदेश, जो दिव्य संदेश, अलौकिक संदेश कैसे सुनाओ, कैसे बताओ। आपको पहले पाक साफ होना सकता है। जय गुरुदेव। तो पहले आपका काम है रामशाला आश्रम में उसको पूरा करना, जल्दी से बिल्कुल सफाई कर दो, एकदम आस पास इट्टी मिट्टी सब बराबर को फेंक, आगे का चबूतरा एकदम ईट से बाहर बाहर ईट लगाकर उसको बना दीजिए, कर दीजिए, क्योंकि लोग आएंगे भारी भीड़ होगी तो वहां तो हो नहीं पाएगा, तो पीछे तो आगे बगीचा जो बाजार का स्थान है मेले का, वापस ये मिलन मेला वही और वही भोजन भंडारा है, चारों तरफ जितने गांव सबको मिल हो और सबको भोजन दिया जाएगा, ताकि लोग रामशाला के आश्रम की याद बनाए रखें।
प्रार्थना है। तो सबको याद रहेगा कि जब आप ये परमार्थी कार्य करोगे, ये लोगों को भोजन खिलाओगे, तब सबको याद रहेगा। जय गुरुदेव। अब आप लोग अपनी अपनी सेवाओं में चलो, सेवा में चलो, जो जिसको सेवा मिली है अपनी अपनी कर दिया करो। सेवा का लाभ बराबर है, लाभ कोई छोटा बड़ा नहीं है। इसलिए ये मत सोचो कि जब मिट्टी सेवा में भग जाओ तो सारी सेवाएं बंद कर देते हो आप। उनका उनका भी तो महत्व है, वो भी इसी सेवा से संबंधित। जितनी सेवाएं आप कर रहे हो सब आश्रम से संबंधित, जमीन से लेकर के और जो भी सेवा आप कर रहे हो सब आश्रम से संबंधित। इसलिए आश्रम की कोई सेवा छोटी बड़ी नहीं। इसलिए जिसको जो मिल जाए समझो कि तुम्हारा भाग्य, जो तुम्हें सेवा मिल गई। आगे जो बहुत भीड़ हो जाएगी तब आपको सेवा नहीं मिलेगी, सेवा का लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। कितनी भीड़ उमड़ रही आप देख रहे हो, हर कार्यक्रम में 2,000, 4,000, 5,000 जीव नहीं थे, इतने हर कार्यक्रम में पड़ जाते। आपने भी गुरु पूर्णिमा का दृश्य देखा था, जबकि परिवार से एक ही व्यक्ति आया। अगर सब आ जाए तो कितनी हो, तो जगह यहां नहीं रहती। इसलिए आवाहन नहीं किया जा रहा, अगर आवाहन कर दिया जाए तो यहां जगह नहीं। ये सब जय गुरुदेव का दृश्य भारी, लोगों को यार रहना आना निकलना मुश्किल। इतने थोड़े लोगों से लोगों को एक मिसाल दी जा रही, एक उनको जागरूक किया जा रहा कि देखो ये कैसे लोग, ये अपना सामान सब अपना लेके आए, अपने किराए भाड़े से आए, ये सरकार को भी लाभ कराते करोड़ों रुपए का किराए भाड़े में, और जो छोटे मोटे गरीब लोग हैं उनको भी लाभ होता। और यहाँ कितने लोग रोजी पाए थे देखा आपने, हजारों लोगों को रोजी मिली है, जो साल भर कमाते वो एक सप्ताह में उनको मिले। तो यहाँ तो किसी का कोई नुकसान ही नहीं। अब तुम ना लाभ उठाओ ये तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारी अज्ञानता है, तुम्हारी मूर्खता है कि तुम्हारे घर में से बट रहा और लूट रहा तुम उससे अलग बैठे हो। गुरुदेव अब इनको बता दीजिए कहाँ कहाँ सेवा है। जो लोग घर जाने वाले हैं इनको बहुत आवश्यक है, आप मिल लीजिए जाइए, क्योंकि जाओगे तो दूसरे लोग आए। उधर लोगों को ये भी मालूम है कि कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर जय गुरुदेव राधा की सेवा आश्रम रामशाला के मतलब यानी उद्घाटन आश्रम का, तो उसमें वह ना चाहते इसलिए आप जा सकते। जय गुरुदेव। लोगों झंडे की परिक्रमा मत भूला, ये सब तुम्हारे लाभ के लिए रखा गया है। तुम यहाँ रहते हो एक महीने के लिए आए हो, एक महीने में कोई बीमारी कोई भूत प्रेत रहेगा नहीं। अगर समय से सुबह और शाम जिन पर ज्यादा दिनों का बहुत बड़ा कोई लेन देन कर जा तभी वो आया भूत बन के लेने के लिए, तो उसका दे दो धीरज से, और आपको एकदम उतार दिया जाए तो तुम्ही को लेके चला जाएगा। इसलिए धीरे धीरे उतारा तो जा सकता एक बार में, लेकिन वो तुम्ही को लेके चला जाएगा कि हमारा कर्जा दे दीजिए, तो धीरे धीरे दे दोगे तो ठीक है, नहीं तुम्ही को लेके चला जाएगा। तो इससे लाभ क्या, इसलिए ये सब लेन देन ही है। ये सब अपना कर्जा वसूलने आए, पहले आप करते नहीं देंगे, देखिए क्या कर लेंगे, देखो क्या कर लेगा, दवा कर देगा तुमको और तुम्हें देना पड़ेगा सब कर्जा मानसूल कर देगा। इसीलिए आपको बुरे काम से बचने के लिए प्रार्थना की जा रही, नहीं ये बुरी दशा होगी। अगर किसी को मार दिया आपने अचानक मर गया हो तो प्रेत बनकर वो फिर आपको बहुत परेशान करे, तो तुम्हें परेशान किया है तुमको परेशान भी करेगा
और खर्च भी कराएगा। तुम चारों तरफ दौड़ोगे, कोई बीमारी लग गई, कोई बीमारी और डॉक्टर भाई यानी बता नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रेत की बीमारी की दवा किसी के पास नहीं। वो संत महापुरुषों ने जो नाम जगाया है, वो नाम का स्मरण ही उसकी दवा, और वो किसी से मानने वाला, वो केवल इसी नाम से डरता है, इसी नाम के डर भय से वो चला जाएगा और अपना कर्जा ले लेगा। लेकिन जब तक कर्जा नहीं होता तब तक नहीं, आप जल्दबाजी मत किया करो, धीरे से कर जाता, क्योंकि आपको यहाँ आए तो कम परेशान करना, बहुत मामूली तो अगर यहाँ न होते तब देखिए किस तरह परेशान करता, मारता और सदा का तुमको फड़े फड़े से मारता, क्योंकि आपने किया उसके साथ ही व्यवहार, वो तुम भूल गए हो, अब वो अपना लेने आया तो कहते हमें परेशान करना पड़े, तुमने इससे ज्यादा उसको परेशान किया, वो तो तुम भूल गए हो। यहाँ सबका लेन देन अलग किया, ये दरबार ऐसा, और कहीं जाओ तो लेन देन नहीं अदा, कहीं आप चले जाओ किसी मिशन में चले जाओ, ये लेन देन का काम कहीं नहीं होता, ये केवल शत्रु के दरबार में होता। जय गुरुदेव। अब आपके लिए सेवाओं में इनको जानकारी दे दो, या सेवा कहाँ कहाँ होगी, देखो सेवा से वंचित हो और तो तुम्हारे बस का कुछ है ही नहीं, भजन तुम्हारे बस का नहीं, सत्संग याद रहता नहीं, कम से कम सेवा ही करो, सेवा में मन तुम्हारा साथ देगा और किसी में नहीं साथ देगा। जब तुम भजन करते हो तो नींद आ जाती, कभी नहीं साथ देता, सुला देता तुमको, इधर उधर भगा के ले जाता, और सत्संग सुनते हो और तभी नींद आ जाती, भजन करते हो तभी नींद, लेकिन सेवा करोगे तुम नींद नहीं आती, जब मिट्टी दोगे तो नींद नहीं आ सकती। देखो कितना बड़ा काम सेवा से है, कि मन भी कंट्रोल में हो जाता और मतलब यानी ये नींद कुछ नहीं, ये सब फल के सामान माया ने बनाए, ये नींद दे दो, गंगा निद्रा उभाई जो उभाई और रस विशेष जाना के नाई उनको आता। जय गुरुदेव। बता दो इनको कहाँ कहाँ सेवा होनी,